अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम एक इदारा एक कहानी के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकबाल खान। इस प्रोग्राम में हम आपको मुख्तलिफ कौमी इदारों के बारे में और बिलखसूस उनके शोबाजात के बारे में और उनकी खिदमात के बारे में बताते हैं। पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। बहार का नाम जहन में आते ही यकीनी तौर पे आपके जहनों में ग्रीनरी, सरसब्जो शादाब की अकासी होती है। इस वक्त हम बाग जना के अंदर मौजूद हैं। बाग जना लाहौर का मारूफ एक इदारा है। इस इदारे की कहानी जानने के लिए और थोड़ी सी गुफ्तगू करने के लिए हम आपको मिलवाते हैं बाग जना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जनाब शाहिद इकबाल साहब। देखते हैं कि शाहिद इकबाल साहब इस इदारे के बारे में हमें क्या मालूमात फराहम करते हैं। आइए मिलिए। शाहिद इकबाल साहब, ये बताइएगा कि बाग़े जनाब, इसका माशाल्लाह तारीख में भी एक नाम है और इसकी कारकर्दगी भी बड़ी नुमाया है। लोगों को मतलब तफरीक की जगह भी मिल जाती है, ग्रीनरी देखने को मिल जाती है, फूल भी हैं। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, एक तारफ करवा दें कि इसकी तारीख क्या है। बाग़े जनाब, एक जैसा आपने फरमाया, ये एक बहुत तारीखी वर्षा है। ये 1862 में इसको बनाना शुरू किया गया था। उस वक्त के वायसराय लॉरेंस ने लंदन में है गार्डन, क्यू गार्डन के नाम से, उसी पैटर्न पे उन्होंने ऑर्डर किया कि जहाँ बनाया जाए, एक पाकिस्तान, उस वक्त तो हिंदुस्तान था, एक न्यू दिल्ली में और एक यह लाहौर में। मेन मकसद इसमें यही था कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के अनवाव इकसाम के दरख्त और पौधे और झाड़ियाँ एक जगह इकट्ठी की जाएँ, जो कि रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल हों, पढ़ाई के लिए भी इस्तेमाल हों, उसके साथ साथ लाहौर के लोगों के लिए एक रिक्रिएशन का समा भी हो। और 1862 में इसको बनाए रखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता चलता गया, बाद में इसमें और चीज़ें ऐड होती गई। पहले ये जो हमारे चिड़ियाघर है, ये भी इसी का हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त ये जोलॉजिकल गार्डन भी कराते थे, बाद में वो एक अलग हो गया, सिर्फ ये बॉटनी का पोर्शन रह गया। फिर कुछ साल गुजरने के बाद इसमें GC कॉलेज, जो गवर्नमेंट कॉलेज आजकल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने यहाँ से कोई 14 एकड़ ज़मीन लदर हमसे ली और उन्होंने अपना बोटेनिकल गार्डन इसके अंदर इस्टेब्लिश कर दिया। इसी तरह इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, इसमें बहुत सारे इदारे हैं जो अपने काम कर रहे हैं। वायसराय हिंद, हाँ, बरसगीर के जो हाँ, सरबराह थे, उन्होंने इसको लंदन में, हाँ जी, जो एक है उसको उसके मुताबिक इसको डिज़ाइन किया। हाँ, तो इसकी जो ड्राइंग थी, हाँ जी, वो भी उन्होंने की या किसी से वो खिदमात नहीं उन्होंने? वो असल में ये जो बिल्कुल इसको उसका डुप्लीकेट कॉपी बनाने की कोशिश की गई, वो ड्राइंग भी वही 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 लेआउट थी, बिल्कुल ऐसा ऐसा वैसा ही बनाने की कोशिश की गई। थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिहाज से, जो हमारे यहाँ कोई फ्लोरे का फ़र्क है कि कुछ जो ऐसे ट्रीज हैं जो वहाँ पे हैं हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारा एक्सट्रीम समर और विंटर होती हैं और वहाँ पे समर इतनी एक्सट्रीम नहीं होती, तो वो ट्रीज हमारे पास सर्वाइव नहीं करते। लेकिन हमने कोशिश की है उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कि उनको, उन ट्रीज को भी हम यहाँ प्रिजर्व किया गया है, और वो ट्री आपको बागजना के अलावा पूरे पाकिस्तान में और कहीं नजर नहीं आती। अच्छा, ये भी सुनने में आया है, पढ़ा है इस बारे में कि ये टोटल जो है कुल्लो 3 इस किस्म के गार्डन हैं, एक यूके, हाँ, एक दिल्ली में और एक लाहौर लाहौर में। तो मतलब ये और अल्हम्दुलिल्लाह, ये पाकिस्तान का जो बाग़े जना है, ये दुनिया के पहले 5 बोटेनिकल गार्डन में इसका शुमार होता है। और इसमें तकरीबन 187 किस्म के दरख्त और झाड़ियाँ जो हमारे पास इस वक्त कलेक्शन है, जो हमारे पास मौजूद मौजूद हैं और चल रही हैं,
अच्छा शाहिद इकबाल साहब, इसके कितने शोभा जात हैं जो मतलब मेंटेन करते हैं इसको? असल में इसके शोभा जात, मेन काम तो हमारा जो बाग जनाब का स्टाफ का है वो यही है कि हमने इसके ट्रीज की हिफाजत करनी है दुरुस्त, और लोगों के लिए साफ सुथरा माहौल देना है। इसमें जॉगिंग ट्रैक है जिस पर लोग जॉगिंग करते हैं, उसकी सफाई और बहुत सारे इस तरह के काम। लेकिन इसके अंदर और दूसरे इदारे हैं जो है तो बाग का हिस्सा ही, लेकिन जैसे कॉस्मोपोलिटन क्लब है वो बाग का एरिया है लेकिन उसकी मैनेजमेंट ग्रुप और है, इंडिपेंडेंटली उन्होंने लीज दिया हुआ है। इस तरह जमखाना की क्रिकेट ग्राउंड हमारे पास है, बिल्कुल सही, उसको तो हम काफी हद तक मेंटेन भी करते हैं। फिर लाहौर लेडीज क्लब है, इसी तरह इतारा दारुसलाम है जिसमें हमारी मस्जिद आती है और उसके साथ दारुसलाम लाइब्रेरी है, और उसको चलाने के लिए जितने फंड्स हैं वो हमारे जो गुलशन रेस्टोरेंट है, हमारे अंदर एक रेस्टोरेंट है उसकी जो ऑक्शन होती है उसकी जितनी अर्निंग होती है वो दारुसलाम ट्रांसफर हो जाती है। यानी जो जो उसका एक्सपेंडिचर है वो गुलशन रेस्टोरेंट के नीलामी से जो पैसे आते हैं वो उस लाइब्रेरी और मस्जिद का साल का एक्सपेंडिचर उसी से चलता है। ये कैंटीन मतलब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने वो रेवेन्यू जब आता है तो उसके लाइब्रेरी और मस्जिद के मामला, मस्जिद के मामला को वो चलाते हैं, बिल्कुल ठीक है। और फिर हमने एजुकेशन के पर्पज के लिए हमारा एक कोलेब्रेशन चल रही है लाहौर यूनिवर्सिटी बराए खवातीन, उन्होंने हमारे अंदर एक लेबोरेटरी बनाई है बायोटेक्नोलॉजी लैब या टिश्यू कल्चर लैब कहते हैं, वहाँ पे भी मेन मकसद यही है कि हमारे कुछ ऐसे ट्रीज हैं श्रब्स हैं जो यहाँ पे जिनका बीज नहीं बनता इस माहौल में, तो उनको हम बायोटेक्नोलॉजी के तरीके से उसकी ऑब्जर्वेशन हासिल करें, उस लेबोरेटरी में वो टेक्निक अवेलेबल है कि हम उस प्लांट्स को दूसरे तरीके से उसकी ऑब्जर्वेशन करके उन पौधों को आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो वो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, उसमें भी काम शुरू हो गया हुआ है, लेबोरेटरी बन गई है, उनका स्टाफ भी आ गया है और वो हम उनके साथ मिलकर वो इस तरह की पौधों की ऑब्जर्वेशन हासिल भी करना शुरू कर रहे हैं। बाग जना के अंदर कल्चरल एक्टिविटी के लिए भी कुछ इस्तेमाल है? बाग जना में हमारे पास एक ओपन एयर थिएटर है जहाँ म्यूजिकल प्रोग्राम भी होते हैं, जैसे अभी पिछले दिनों फैज अमन मेला भी हुआ वहाँ पे रेगुलरली स्टेज ड्रामा होता है, और वो अब उसको जो मैनेज करते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करती है, लेकिन वो बाग का हिस्सा ही है, वो जो उसकी ग्रीनरी है जो उसके प्लांट्स हैं ट्रीज हैं ग्रासेस है उस सारे की जो मेंटेनेंस है वो बाग जना का स्टाफ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बाग जना अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे खूबसूरत दरख्त सायादार दरख्त और ग्रीनरी का मौका फराहम कर रहा है वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी को भी फ़रोग देता है, कल्चरल एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है हर तरह से। और दूसरी हमारे पास जितने लोग बहुत जो विजिटर्स आते हैं फैमिलीज आती हैं जो पिकनिक के लिए आते हैं, हमारे पास ग्रीन लॉन है उनमें वो बैठ के अपनी चटाई बिछा के खाना खाते हैं स्पेशली गर्मियों में और जो इस तरह के माहौल में जो घुटन के माहौल में, और ये आपको ऐसा बाग मिलता है जिसमें आपको पोल्यूशन बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर होता है, क्योंकि हमने हर तरह की गाड़ियों के को अंदर आने से रोका हुआ है, मोटरसाइकिल को अंदर नहीं आने देते, रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, मास्क वाय कोई बहुत ज़्यादा एमरजेंसी कोई एग्जीबिशन वगैरह है कोई सामान लेके आने वो गाड़ियाँ आती हैं, इसकी वजह से ये सारा हमारा इन्वायरमेंट। और दूसरी बात आपको ऐसे परिंदे जहाँ मिलेंगे जो अभी और लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में आपको कहीं नहीं मिलते, ये उनका हैबिटेट है, वो दिन को उड़ के चले जाते हैं शाम को जब वापस आते हैं इतनी आवाज़ें आ रही होती हैं, हरियल हैं तोते हैं कौवे हैं और बेशुमार किस्म के परिंदे जो यहाँ ब्रीड कर रहे हैं और यहाँ पे उनकी अब्जर्वेशन हासिल हो रही है, उनके कुदरती माहौल मिला हुआ है। और आपको जो पिजन्स हैं कबूतर आपको हर तरह के कबूतर यहाँ हमारे पास हमने ओपन छोड़े हुए हैं, वो यहाँ उन्होंने अपनी नेस्टिंग की हुई है वो रहते हैं ब्रीड भी कर रहे हैं। नौजवानों की सरगर्मियों के लिए भी कुछ यहाँ पे है तमाम? नौजवानों की सरगर्मियों के लिए यही है कि हमारे पास जो स्पोर्ट्समैन है जो टेनिस वगैरह लोग खेलते हैं उसमें हम पंजाब टेनिस फेडरेशन के यहाँ सिंथेटिक कोर्ट्स बने हुए हैं, यहाँ उनकी कोचिंग भी होती है और इंटरनेशनल लेवल के वहाँ पे कंपटीशन भी होते हैं और बड़े इंटरनेशनल क्वालिफाइड कोच हैं वहाँ को तरबियत देते हैं और उनकी फिजिकल हेल्थ का इंतज़ाम भी है। इसके अलावा हमारे पास एक हेल्थ क्लब है जिसको राणा हेल्थ क्लब के नाम से लोग जानते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के फिटनेस के लिए सर्विस रेंडर करते हैं, वो हमारे एक गेट के पास उनका वो कैंप लगा होता है, वहाँ वो मशीनरी पड़ी होती है वो टूल होते हैं, वो सुबह सुबह लोग आते हैं अपने जिम की ओपन एयर में है वो जिम की तरह वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए, और वो 11-12 बजे तक वो करके एक्सरसाइज वो सारे।